हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी। टुडे वी विल डिस्कस द 12th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एटम। आज के इस वीडियो में हम परमाणु के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है, एनसीईआरटी के 12th चैप्टर का यह नाम है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। आपको इसमें हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल बताना है। अब इस क्वेश्चन को वो कई तरीके से पूछता है कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या है, इसकी परिकल्पनाएँ क्या हैं, कई तरीके से ये पूछता है। तो आपको याद रखिएगा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके जो तीन पॉस्टुलेट्स हैं उन्हीं तीन पॉस्टुलेट्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अच्छे से लिखिएगा, फॉर्मूले के साथ लिखिएगा, तभी इसमें अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या होता है ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बोर तथा रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। बोर के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां हैं वो आपको लिखना है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें एक में कंबाइन कर दिया गया है। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां हैं ये आपको बताना है। तो ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये आप याद कर लीजिएगा। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं या फिर लिमिटेशंस हैं ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के जो विविक्त ऊर्जा स्तर है, इसमें जो फिगर है वो फिगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिसमें लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पास्चन ब्रैकेट फुंडी, ये पांचों जो सीरीज है, इस सीरीज का जो फिगर आपको समझाया गया होगा, ये फिगर का अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके बारे में डिटेल फॉर्मूले के साथ आपको देना पड़ेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, इसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनन ऊर्जा क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा के बारे में बताइए। आपको बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, इसके बारे में बताना है, इसके वैल्यू को भी लिखना है। नेक्स्ट है आयनन विभव क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको डिफाइन करना है। उसके बाद कुछ जो एडिशनल इसमें लिखा गया है जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिर थ्योरेटिकली भी कभी कभी क्वेश्चन रेशियो के फॉर्म में दे देता है, A1/A2 भी इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या क्या है इसमें टॉपिक्स में, वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या या फिर बोहर त्रिज्या, वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या क्या होती है, बोहर त्रिज्या क्या होती है। इस चैप्टर में आपको एक लॉन्ग डेरिवेशन करवाया गया होगा, उसी लॉन्ग डेरिवेशन में ये सब फॉर्मूले मिलते हैं, तो इन्हीं सब फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। डेरिवेशन भले मत याद रखिए, क्योंकि डेरिवेशन ये बहुत कम चांस होता है पूछे जाने का, क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, मगर इसका जो फॉर्मूला है ये जितने यहाँ लिखे गए हैं उसको आप याद रखिएगा। जैसे रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट क्या होता है, बोहर्स रेडियस क्या होता है, बोहर्स रेडियस पे क्वेश्चन कई बार आता है, ये कई तरीके से घुमा के पूछता है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका क्या वेग होगा, वो आपको याद रखना है उसका फार्मूला। उसके बाद गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, इन तीनों का आपको फार्मूला याद रखिएगा, खासकर कुल ऊर्जा का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, इस टोटल एनर्जी का फार्मूला खासकर आप याद रखिएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट का क्या फार्मूला है ये, इसका वैल्यू क्या और इसका यूनिट क्या है, ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए इसका फार्मूला क्या है, इसका वैल्यू क्या है और इसका यूनिट क्या है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है जिसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है, ये बार बार पूछा ही जाता है, लाइमन एवं बामर श्रेणी के प्रथम तीन रेखाओं का तरंग दैर्ध्य, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, या तो लाइमन का मिल जाएगा या तो बामर का मिल जाएगा। ज़्यादातर बामर श्रेणी का ही द्वितीयक रेखा का तरंग दैर्ध्य आपसे पूछा जाता है, वो आर के टर्म में भी मिलता है और सॉल्व करने पे भी मिलता है। क्वेश्चन अगर कह देगा आर के टर्म यानी रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में लिखिए, तो आर के टर्म में ही छोड़ देना, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन कह देता है पूरा सॉल्व कीजिए, तो आपको आर का वैल्यू रख के पूरा सॉल्व करना होगा, तो आप इन तीनों का आंसर याद कर लीजिए। सॉल्व करने पे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उससे अच्छा है कि आप आंसर याद कर लीजिए, वैल्यू पुट करने के बाद सीधे आंसर लिख दीजिएगा। ज़्यादा नहीं है, लाइमन के स्टार्टिंग के तीन लाइंस का आपको याद करना है और बामर की स्टार्टिंग के तीन लाइंस का याद करना है, क्योंकि ये चांस रहता है कि मैक्सिमम चांस रहता है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट थ्री लाइंस ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन जो है वो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा क्या है, इसकी शर्त लिखिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे डिफाइन करना है व्हाट इज स्टेबल ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेबल ऑर्बिट क्या होता है किसी भी एटम में और इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो ये सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो चैप्टर नंबर 12 एटम परमाणु के थे। और नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका न्यूक्लियस नाभिक, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।